a very good moment. If any doubt is there in yesterday's lecture, you can ask. Otherwise, we will continue with the next graph of tan. If any doubt is there, you can ask. Good morning. Excuse me, ma'am. Yes, Vachi. Ma'am, page number 36 pe ek paragraph diya jisme hume given hai ki cos inverse is a function whose range could be any of the interval minus pi comma 0 0 comma pi comma 2 pi. हाँ जी बच्चे, ये मैंने जो आपको करवाया है, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, दैट वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द जो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंगली कर रहे थे. अदरवाइज इनका जो सेम इंटरवल होता है, इतने जैसे हमने पहले माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू पे मैंने आपको करवाया है, सेम वे में जो ये आपका एप्लीकेबल है, यानी वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा माइनस थ्री पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू में, मैंने आपको इस वाले इंटरवल में करवाया. तो अगर हम लेके चलते हैं इंटरवल माइनस थ्री पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू या इधर से पाई बाय टू या थ्री पाई बाय टू, तो इन इंटरवल्स में भी जो आपके फंक्शंस हैं उनके इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे. ये मैं लेके चल रही हूँ, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, यानी कि जब हमें गिवन नहीं होता, इंटरवल नहीं गिवन है कि कौन सा बात कर रहे हैं, देन हम अपने आप को इस वाले पे कंसंट्रेट करते हैं. अदरवाइज इनके अंदर भी जो आपके वो इनवर्स हैं उनके कह सकते हो वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. हम जो है इस पे इतने इतने पोर्शन पे इसलिए लिमिट कर लेते हैं क्योंकि इतने पोर्शन में जो आपकी फंक्शन है वो वन वन बनती है. अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन वाला टेस्ट करते हैं तो वो आपका जो है सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको जो है कंडीशन उसकी सेटिस्फाइड नहीं होती क्योंकि ये इसको एग्जिस्ट कर रहा है. इट मीन्स कि एक एक्स की वैल्यू के लिए जो है आपकी दो वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि एक एक्स जो है वो आपका दो इमेजेस लेके चल रहा है, तो वो वन वन नहीं होता. वन वन बनाने के लिए हम इसको डिफरेंट इंटरवल्स में कर लेते हैं. मैंने पाई बाय टू के अकॉर्डिंगली या जीरो टू पाई के अकॉर्डिंगली करवाया है, इसलिए क्योंकि वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कि अगर हमें इंटरवल नहीं गिवन तो हम इन इंटरवल्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं. आपके जो फंक्शन है वो इन इंटरवल्स में भी जो है वो आपके फंक्शंस का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा. तो ये सारे जो है आपके मतलब आप कह सकते हो कि जो इनकी रेंज है सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो हम सॉल्यूशन देंगे दैट विल बी एनी वन आउट ऑफ दिस. गॉट इट? ओके मैम. ओके, देन टुडे वी विल कंटिन्यू विद द ग्राफ ऑफ टैन एक्स. अच्छा, एक चीज और है बच्चे, इसमें जो आपके बुक के अकॉर्डिंगली गिवन है साइन और कॉस वाला, बुक के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जैसे मैंने आपको वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज करके बता दिए थे, बुक में उन्होंने जो आपका ग्राफ है जो एक्स एक्सिस पे गिवन था, एक्स एक्सिस के अलोंग आपको गिवन था, इसमें उन्होंने इंटरचेंज कर दिया. जैसे मैंने कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज करके बताया था आपको, इन्होंने एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया, जो हमारी एक्स एक्सिस थी उसको वाई बना दिया, वाई को एक्स बना दिया. है ये वही सेम चीज है. ये देखो यहाँ पे हमारे जो थे, हम लेके चल रहे थे यहाँ पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस पाई माइनस टू पाई, इधर हम लेके चल रहे थे पाई बाय टू पाई देन थ्री पाई बाय टू एंड टू पाई. तो ये जो टर्म्स हैं ये इन्होंने वाई एक्सिस पे ले ली, और ये वाली जो टर्म्स थी आपकी माइनस वन और वन वो इन्होंने एक्सिस पे ले ली. तो इन्होंने मतलब जो है ग्राफ इन्होंने डायरेक्ट ऐसे समझा दिया है कि एक्स एक्सिस को हमने वाई एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस बना दिया. मैंने आपको जो है पॉइंट्स इंटरचेंज करके बताया था, तो जो आपको मेथड कन्वीनियंट लगे यू कैन गो फॉर दैट मेथड. अब जो हम आज ग्राफ कर रहे हैं टैन और कॉट का कर रहे हैं, बाकी जो सीकेंट और कॉस का है, सीकेंट और कॉसेक का है, दैट यू विल ट्राई योरसेल्फ. सेम वे में वो भी ग्राफ्स आपके होने हैं. जब हम ग्राफ की बात करते हैं टैन एक्स की, यानी कि जब मुझे y इक्वल टू टैन एक्स सपोज गिवन है, y इक्वल टू टैन एक्स के केस में जो हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि टैन जो है हमारा पाई बाय टू पे हम लेके चलते हैं कि दैट इज नॉट डिफाइंड, तो हम उसको मतलब लेके चलते हैं कि पैरेलल बनता है वो आपका ग्राफ. तो
जब आप टैन का ग्राफ देखोगे बुक में भी ये आपका गिवन है, तो दिस इज समवट लाइक दिस। और जब हम इधर से लेके चलते हैं यहाँ पे भी जो ये हमारा ग्राफ है इस तरीके से आएगा। अब जब हम इसके लेके चलते हैं पॉइंट्स, अगर हम लेके चले तो टेन जो है हमारा पाई बाय फोर पे वन होता है, तो ये पॉइंट आ गया मेरा पाई बाय फोर पे वन। सेम वे में पाई बाय फोर पे ये मेरा माइनस वन आ जाएगा। अब हमने क्या लेके चलना है यहाँ पे, जब हम इसको पॉइंट्स को उल्टा लेके चलेंगे, यानी कि बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें, हम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना रहे हैं और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना रहे हैं, तो जो हम यहाँ पे पॉइंट्स लेके चलेंगे, यहाँ वाले जो पॉइंट्स हैं दिस विल बी माइनस वन एंड प्लस वन, और इधर वाले जो हमने पॉइंट्स लेके चलने हैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, हम डिपिक्ट करते हैं माइनस पाई बाय टू का हाफ आपका माइनस पाई बाय फोर, here it will be pi by 4 and here it will be pi by 2. अब जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने पे माइनस वन आपका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा और ये माइनस पाई बाय फोर जो है आपका ये वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, यानी कि माइनस वन पे माइनस पाई बाय फोर ये पॉइंट आ जाएगा आपका। देन हमने क्या करना है यहाँ पे, आपको पता है टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो पे ये आपका जीरो बन जाएगा। उसके बाद ये वाला जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वन पे वैल्यू आपकी क्या बनेगी पाई बाय फोर। तो जब आप इन ग्राफ्स को लेके चलोगे अकॉर्डिंगली, हमने जो वाई इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने आपको कहा था, तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ ये नीचे की तरफ जा रहा था हमारा इस तरीके से जीरो टू पाई बाय फोर के बीच में, तो ये ऊपर की तरफ हो गया और इधर ये नीचे की तरफ। तो ये जो ग्राफ है मेरा, दिस इज द ग्राफ ऑफ टैन इनवर्स एक्स, और ये जो ग्राफ है ग्राफ ऑफ टैन ऑफ एक्स। अब इसमें जो आपका टैन एक्स का जो हमारा डोमेन था, अगेन मैं बच्चे कंसंट्रेट कर रही हूँ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के अकॉर्डिंगली, मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आपको करवा रही हूँ, अदरवाइज सेम वे में, मतलब जो ये आपका माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में हम लेके चलते हैं, सेम वे में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप माइनस थ्री पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू के शो कर सकते हो, बट हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग भी चले। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ये हमारा बन गया, और इधर माइनस वन से वन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स अगेन आपके चेंज हो गए। अब जब आपका वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स है, तो आपका जैसे कल मैंने आपको लिखवाया था एक्स इज इक्वल टू टैन वाई होगा आपका इफ एंड ओनली, कि y equal to tan inverse x कब होगा, अगर आपका x जो है that is equal to tan y। अब जब हम बात कर रहे हैं कि x tan y के equal है, तो it means कि जो हमारा y है वो minus pi by 2 से pi by 2 belong करेगा। Now you have to take care of one thing, ये आपको plus 1 में भी बताया गया होगा कि जब हम tan के केस में लेके चलते हैं, तो tan के केस में यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट लेते हैं, बिकॉज tan जो है पाई बाय टू पे आपका डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ आपने क्लोज ब्रैकेट नहीं लेनी। साइन और कॉस में वो आपके पाई बाय टू पे डिफाइंड थे, तो हम क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब इट मींस कि जो वाई है, वाई की जो हमारी वैल्यूज हैं वो बिलोंग जो है उसपे करेंगी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में हमारी लाइक करेंगे। इट मींस अगर हम डोमेन की बात करें टैन इनवर्स से, तो डोमेन जो है टैन इनवर्स एक्स का दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और जो अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो क्या आएगी आपकी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, जो आपका उसके केस में हम लेके चलते हैं टैन के केस में लेके चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज, सेम वे में आपकी टैन इनवर्स जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, इसका जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो इसकी रेंज थी वो इसका जो इसका डोमेन था वो आपकी रेंज बन जाएगी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर
tan function. तो next हम लेके चल रहे हैं cot का. cot का भी same way में आपका जो है graph बनता है. cot के अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो y is equal to cot x. this is 0, this is pi by 2, pi by 4 हम ले लेते हैं पहले तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बीच में. Just a moment, but just तो graph of cot x की जब हम बात कर रहे हैं, ये हमने minus pi से pi वाला show कर दिया इधर. अब हमने क्या लिखा, हम इसका graph plot करेंगे. तो इसका graph जो है हमारा इस तरीके से बनेगा. और जब हम इधर की यहाँ पे बात करते हैं तो pi by 2 पे ये हमारा 0 से पास करते हैं इस पाई बाय फोर पे अगर हम लेके चले पाई बाय फोर पे जो आपका कॉट होता है दैट इज अगेन 1. और इधर हम अगर माइनस पाई बाय फोर पे बात करें तो दैट इज माइनस. तो ये हमारे जो है इसके हमारे पास आ गए क्वाड्रेंट्स, आ गए क्वाड्रेंट पॉइंट्स, आ गए डिफरेंट. अब हमने वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का जब हमने ग्राफ प्लॉट करना है cot inverse x के ग्राफ में सेम वे में हम करेंगे. जो हमने पॉइंट्स y उसके लिए थे एक्सिस पे वो हम x एक्सिस पे ले लेंगे. ये हमारे डिफरेंट पॉइंट्स आ गए. अब हमने माइनस वन और प्लस वन सेम वे में हम यहाँ बना के चलेंगे. और इधर जो हम पॉइंट्स लेंगे दैट इज माइनस पाई की टर्म्स में हम लेके चलेंगे. दिस वन इज पाई बाय फोर. नेक्स्ट हम ले लेंगे पाई बाय टू, नेक्स्ट थ्री पाई बाय फोर एंड देन पाई. सेम वे में इधर नेगेटिव हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे. अब हमने इनको प्लॉट करना है. देखो पॉइंट्स हमारे उल्टे हो जाएंगे. माइनस पाई बाय टू पे जीरो था तो जीरो पे हम कहाँ ले लेंगे इसको, माइनस पाई बाय टू पे. बट हम क्योंकि अपने आप को कंसेंट्रेट कर रहे हैं माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू पे, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं इसको. तो हम नहीं, कॉट है तो जीरो टू पाई में हम कंसेंट्रेट करेंगे. दिस इज जीरो टू पाई, इतने पार्ट में हमने कंसेंट्रेट करना है. डिनोमिनेटर जो नेगेटिव वाला है वहां पे हम नहीं जाएंगे. अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जब हम इनको लेके चल रहे हैं तो हमारा यहाँ पे माइनस वन पे माइनस पाई बाय फोर है तो इसको हम छोड़ देंगे. नेक्स्ट जो हम लेके चलेंगे अकॉर्डिंगली जब हम लेके चलेंगे तो यहाँ माइनस वन पे जो हमारी वैल्यू बनेगी वो थ्री पाई बाय फोर बनती है. मतलब थ्री पाई बाय फोर पे जो हमारी वैल्यू बनती है यहाँ हम अगर लेके चलें तो वो माइनस वन बनती. इधर से अगर मैं लूँ यहाँ पे थ्री पाई बाय फोर तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी माइनस वन. तो माइनस वन पे ये आपकी थ्री पाई बाय फोर वैल्यू आप ले लोगे. देन पाई बाय टू पे जीरो था तो जीरो पे पाई बाय टू ले लोगे. और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बनता है वो क्या था कि इधर से हम लेके चलेंगे वन पे वैल्यू क्या है पाई बाय फोर. तो वन पे हमने ले लेंगे पाई बाय. अगेन आप जब लेके चलोगे तो ये जीरो टू पाई में ये आपकी पैरेलल लाइन बनेगी जिसके लिए हम नॉट डिफाइंड वाला केस लेके चलते हैं.
तो जब आप इसको प्लॉट करोगे ये इस तरीके से आपका प्लॉट, यहाँ ये इसके पैरेलल चली जाएगी, इधर इसके पैरेलल चली जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो है हम नॉट डिफाइंड वाले केसेस लेते हैं जीरो और पाई पे, तो यहाँ पैरेलल शो कर देना है, टच इनको जो है ज्वाइन नहीं करना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो नॉट डिफाइंड है मतलब इन्फिनिटी तक वो मीट करेंगे, हमें वो पॉइंट नहीं पता है। ये पॉइंट माइनस वन पे थ्री पाई बाय फोर था आपका, वन पे पाई बाय फोर था, पाई जीरो पे पाई बाय टू था, तो जीरो से पाई के बीच में ये आपका पॉइंट जीरो है, यहां से पाई के बीच में ये वाला ग्राफ जो है मैंने रिपीट, तो ये आपका इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। अब सेम वे में आपने यहाँ पे लिखना है कि जो वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स है आपका, दिस विल एग्जिस्ट, मतलब वाई जो है वो कॉट इनवर्स के एक्स के इक्वल होगा, इफ एंड ओनली इफ, अगर आपका एक्स जो है वो कॉट वाई के इक्वल है, और जो आपका वाई है वो बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई के बीच। तो इट मींस कि अगेन जब हम डोमेन की बात करेंगे कॉट इनवर्स एक्स की, तो डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स जो है दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज जो है दैट इज फ्रॉम जीरो टू पाई। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स एंड दिस इज कॉट इनवर्स एक्स। अब सीकेंट और उसका सीकेंट इनवर्स और कॉसेक और कॉसेक इनवर्स के जो ग्राफ्स हैं दैट यू विल डू योरसेल्फ। अब अगर हम अपने को जो है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम बात करें कि इनकी जो इनवर्स टी रेशियोज हैं उनके डोमेन और रेंज की बात करें, दैट आई एम जस्ट री राइटिंग, हम इसको क्या करते हैं कि छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा जो फंक्शन है जो हमें गिवन है उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर सके। मैं पाई बाय टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंगली ही चल रही हूँ और इसी के अकॉर्डिंगली आपको लिख पा रही हूँ, अदरवाइज जो मैंने अभी इंटरवल्स बताए थे अकॉर्डिंगली उनमें भी जो है ये आपके फंक्शंस उनके इनवर्स जो है वो डिफाइन हो। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा हमारा, इफ एंड ओनली इफ x जो है दैट इज इक्वल टू साइन y, और y जो है वो हमारा बिलोंग करता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में, और जो हमारा यहाँ पे x है वो बिलोंग करता है माइनस वन से वन। सेम वे में y इक्वल टू अगर cos इनवर्स x है, ये कब होगा, अगर x इज इक्वल टू cos y है, y जो है वो बिलोंग करेगा जीरो टू पाई में, और x अगेन बिलोंग करेगा माइनस वन से वन। टैन की बात करें अगर हम, x इज इक्वल टू टैन y, टैन के केस में अगेन y बिलोंग्स टू, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है दिस विल बी द ओपन ब्रैकेट, और जो आपका इसका टैन के केस में हम रेंज लेके चलते हैं That is, क्योंकि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, तो इधर यू कैन राइट डाउन इन द वे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन कि एक्स बिलोंग्स टू आर, देन वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये आपका एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ एक्स आपका इक्वल है कॉट वाई के, अगेन वाई जो है वो बिलोंग करेगा, अब यहाँ पे भी ध्यान देना है दिस इज द ओपन इंटरवल जीरो टू पाई, और अगेन x जो है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो secant इनवर्स की जब हम बात करेंगे, हमें पता है cos pi by 2 जो है हमारा वो जीरो होता है, cos pi by 2 जीरो यानी कि secant pi by 2 आपका नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि secant cos का रेसिप्रोकल, तो एक्सेप्ट pi by 2 लिखना आपने नहीं किया। y इक्वल टू secant इनवर्स x होगा If and only if x जो है आपका that is equal to secant y, again y जो है वो belong करेगा आपका 0 to pi, यहाँ पे closed interval है क्योंकि 0 और pi पे secant आपका defined है, 0 to pi और except pi by 2 या minus करके दिखा सकते हो आप minus pi by 2। अब यहाँ पे क्योंकि जो ये value है आपकी secant जो है वो cos का inverse है, और cos हमारा lie कर रहा है minus 1 से 1 के बीच में, तो इट मीन्स जो हमारी सीकेंट वाली वैल्यूज जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेंगी कि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वन या लेस देन इक्वल टू माइनस वन होगा, यानी कि माइनस वन से वन वाला ब्लॉक छोड़ के
वन टू इंफिनिटी, ये वाला और ये वाला, इन सब पे जो है आपका सिकेंट डिफाइंड है, मतलब जो रेंज आएगी सिकेंट की आपकी वो ये है. देन वाई इज इक्वल टू कॉस सेकंड इनवर्स, ये होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू कॉस सेक वाई, और वाई जो है वो आपका बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि साइन जीरो जो है वो आपका जीरो होता है, कॉसेक साइन का इनवर्स है, रेसिप्रोकल है. तो जब आप कॉसेक जीरो लोगे, यानी कि साइन कॉसेक जीरो जो है वो आपका, क्योंकि साइन जीरो जो है वो जीरो है, तो कॉसेक जीरो आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो ये आपका एक्सेप्ट आपने जीरो लेके चलना है. सेम वे में जैसे आपका साइन माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा था, तो जो आपका यहाँ पे एक्स है दैट विल बी ईदर ग्रेटर देन वन और दैट विल बी लेस देन माइनस वन. तो ये आपका जो है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है इनवर्स टी फंक्शन की, इनके अकॉर्डिंगली जो है हमने लेके चलना है. अब जो इसमें वैल्यू ऑफ वाई है, इसको हम जो ये वैल्यूज हैं, ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, या हम इनको रेंज भी बोलते हैं, और जो ये हमारे एक्स हैं दीज आर द डोमेन्स. तो इनको हमने जो है लेके चलना है साइन. अच्छा, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि साइन इनवर्स एक्स जो है दैट इज नॉट इक्वल टू वन बाई साइन एक्स. ये जो माइनस वन है यहाँ पे, ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. बस आपने ये ध्यान रखना. अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे इस एक्सरसाइज के. अब क्वेश्चंस जब हमने करने हैं तो आपने ध्यान देना है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा गिवन है हमें साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू. अब माइनस वन से वन के बीच में हमारी वैल्यू लाई करती है जो है, तो जो साइन है हमारा वो माइनस वन से वन के बीच में जो है इसका लाय करता है. माइनस वन से वन के बीच में है माइनस हाफ, इट मीन्स जो हमारा हमें सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. क्योंकि जो जब हमें गिवन होता है कि अगर मैं इसको इक्वल टू थीटा मान लेती हूँ, तो जो मेरा थीटा है दैट शुड लाई बिटवीन पाई बाई टू टू पाई बाई टू. अब थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में मुझे कैलकुलेट करना है. जब मैंने साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू को थीटा मानना है, तो इट मीन्स अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों साइड से साइन थीटा से, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. बट आपने ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ये याद रखना. कभी भी एक टी रेशियो इनवर्स आप ऐसे कैंसिल आउट करके नहीं दिखाओ. तो दिस इज माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा. साइन थीटा जो है मेरा यहाँ से क्या आ गया, माइनस वन बाई टू. अब जो है अगर मैं ये नेगेटिव साइन छोड़ दूं, तो जो साइन थीटा है वन बाई टू की वैल्यू कहाँ पे होती है, पाई बाई सिक्स. तो दिस इज माइनस साइन पाई बाई सिक्स equal to sin theta. अब माइनस पाई बाई सिक्स है जो वो आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है, तो इट मीन्स जो मेरा यहाँ से आएगा जब मैं लेके चलूंगी, तो माइनस साइन पाई बाई सिक्स जो है यहाँ पे आप लिखोगे सिंस माइनस पाई बाई सिक्स जो है दैट लाइज इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, therefore जो मेरा थीटा आएगा that will be minus pi by 6, यानी कि sin inverse minus 1 by 2 जो है that is equal to minus pi by 6. This is the required principle. Simple सा concept बच्चे आपने यहाँ देखना है. minus half sin जो है inverse मुझे पता है that has माइनस वन से वन के बीच में लाया करता है साइन इनवर्स की जो वैल्यूज होती हैं आपकी. तो साइन इनवर्स क्योंकि ये माइनस वन से वन के बीच में लाया कर रहा है माइनस हाफ जो है, इट मींस जो आपका थीटा होगा दैट विल लाई बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. तो आपने ये वैल्यू चेक कर लेनी है. वन बाय टू आपका कहाँ पे होता है, पाई बाय सिक्स पे. साइन थर्टी डिग्री आपका वन बाय टू होता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन क्योंकि गिवन था, ये एज इट इज ले लेना है.
तो एंगल जो है माइनस पाई बाय सिक्स, क्योंकि इसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो थीटा जो है यानी कि ये ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स। सेम वे में आपने सेकेंड क्वेश्चन करना है, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू पॉजिटिव है तो जीरो टू पाई के बीच में वो आपका लाई करेगा, तो अगेन दिस विल गिव अस द डायरेक्ट रिजल्ट। इसको अगेन मैं थीटा या वाई आप कुछ भी मान सकते हो, तो यहाँ से रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा आपका। रूट थ्री बाई टू कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे, तो कॉस थीटा आ गया मेरा पाई बाई सिक्स, कॉस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि थीटा आ गया पाई बाई सिक्स विच बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। थीटा जो है पाई बाय सिक्स जीरो टू पाई को बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, क्योंकि ये थीटा माना था मैंने, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। तो जब अगर ये क्वेश्चंस आपके आते हैं इस फॉर्म में कि वन मार्क में आ जाते हैं, तो डायरेक्ट यहां से देख लो कॉस इनवर्स है बाहर, रूट थ्री बाई टू आपका कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कॉस में पाई बाय सिक्स पे, तो सीधा इसको इक्वल टू पाई बाय सिक्स, तो नो नीड टू डू दिस थिंग्स। टेन क्वेश्चन नंबर थ्री, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपका बेस बना रहे हैं इसके लिए। और इसमें मेरे पास जो वैल्यू मुझे गिवन है दैट इज टू, कॉसेक इनवर्स टू। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, लेट दिस इज इक्वल टू थीटा, तो टू आ गया मेरा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा जो है मेरे को उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं चलती हूँ, तो थीटा जो है मेरा ये लाई करता है, या हम ये कह सकते हैं कि बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो। तो थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आना चाहिए हमारा, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो कॉसेक थीटा टू आ रहा है, कॉसेक थीटा टू कहाँ पे होता है, कॉसेक पाई बाई सिक्स पे 30 डिग्री पे, साइन 31/2 होता है, कॉसेक उसका रेसिप्रोकल है, सो दिस इज पाई बाई सिक्स। तो यहाँ से थीटा आ गया हमारा पाई बाय सिक्स, जो लाई कर रहा है अगेन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, सो दिस विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो सेम है, इसी तरीके से आप कर लोगे खुद। अब क्वेश्चन नंबर फाइव पे हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव में अगर हम लेके चले तो हमें यहाँ पे गिवन है कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू, इसको हम क्या करेंगे थीटा मान लेंगे, कॉस के केस में हमें पता है थीटा लाइज बिटवीन जीरो टू पाई, थीटा यहाँ पे हमारा जीरो से पाई के बीच में लाए करता है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा नेगेटिव यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में वो लाए करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाए करेगा यानी कि दिस विल बी माइनस वन बाय टू विदाउट साइन, आप देखो कि कहाँ पे आपको मिलता है कॉस वन बाय टू जो है, कॉस में वैल्यू वन बाय टू आपकी कहाँ पे होती है पाई बाय थ्री पे 60 डिग्री पे, बट हमने क्योंकि इसको सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली बनाना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाने के लिए हम इसको क्या लिख लेंगे पाई माइनस पाई बाय थ्री। आपको पता है जब आपको क्वाड्रेंट्स लेने होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लेते हैं थीटा, देन दिस इज पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई प्लस थीटा एंड दिस इज टू पाई माइनस थीटा, जो आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन प्लस वन में जैसे किया था कन्वर्जन, तो ये हमारा बन गया कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई थ्री, जीरो टू पाई के बीच में मतलब जो है हमारा इसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये नेगेटिव था तो जीरो टू पाई के बीच में कॉस नेगेटिव आता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाने के लिए हमने थीटा देख लिया पॉजिटिव वैल्यू के साथ, दिस इज पाई बाय थ्री, और यहाँ पे हमारा पाई माइनस थीटा की फॉर्म में होता है, तो पाई माइनस पाई बाय थ्री ले लिया हमने, तो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस टू बाय टू पाई बाय थ्री इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा आ गया यहाँ से हमारा टू पाई बाय थ्री, थीटा टू पाई बाय थ्री क्यों, क्योंकि ये आपका जीरो टू पाई के बीच में लाइट कर। अब नेक्स्ट हम लेके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस यू कैन डू योरसेल्फ, टैन इनवर्स माइनस वन है तो ये भी आपका गिवन उसमें लाइक करता है, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। अब उससे अगला जो है दैट आल्सो डायरेक्ट हो जाएगा दैट यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर एट इज अगेन योर होमवर्क पार्ट, क्वेश्चन नंबर
नाइन पे अब आप आओगे, क्वेश्चन नंबर नाइन में अगेन सेम वे में हमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू गिवन है, तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था इन द सेम वे यू विल cos inverse माइनस वन बाय रूट टू, इसको मैं थीटा मान लूंगी तो माइनस वन बाय रूट टू इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कॉस थीटा। अब थीटा जो है मेरा वो लाई करता है जीरो टू पाई के बीच, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वन बाय रूट टू, देख लो पॉजिटिव कहाँ पे बनता है कॉस 45 देता है, बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन नेगेटिव साइन, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कहाँ पे होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लेके चलते हैं पाई माइनस थीटा, ये पाई है वापिस आ रहे हो तो दिस इज पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं पाई माइनस थीटा कितना लिया है मैंने पाई बाय फोर, तो दिस इज पाई माइनस पाई बाय फोर। अब अगेन पाई माइनस पाई बाय फोर मेरा जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी ये क्या बन जाएगा मेरा थ्री पाई बाय फोर, तो कॉस थ्री पाई बाय फोर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा मेरा थ्री पाई बाय फोर, और अगर मैं थ्री पाई बाय फोर को जो है चेक करूं तो दिस लाइज इन बिटवीन जीरो टू पाई, तो ये मेरा अकॉर्डिंग टू दिस जो है इंटरवल मेरा ये आंसर आ गया। यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव साइन है कॉस के साथ तो नेगेटिव आपका कॉस जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो यू हैव टू डू द कन्वर्जन, कन्वर्जन आपको करनी पड़ेगी। इन केस अगर जो यहाँ आपको पॉजिटिव गिवन होता सपोज यहाँ पे, तो ये आपका जीरो टू पाई के बीच में ऑलरेडी लाए करना था, तो यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव गिवन होता तो ये आपको पाई माइनस थीटा नहीं लेना था, फिर आप इसको सीधा पाई बाय फोर ले जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना है नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपको ये सारा प्लस वन में बताया हुआ है, तो यू आर टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर नाइन, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन में अगेन जो है हमें गिवन है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा इक्वल टू थीटा पुट कर दो। अब थीटा जो है कॉसेक इनवर्स के लिए दैट लाइज फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, और जीरो पे ये डिफाइंड नहीं होता, कि यहां से प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉसेक थीटा, तो माइनस रूट टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा। अब थीटा जो है आपका माइनस रूट टू गिवन है हम, ये क्या बन जाएगा आपका कॉसेक नेगेटिव हो जाएगा, कहाँ पे होता है पाई बाय फोर पे, ये आपकी वैल्यू रूट टू होती है क्योंकि ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाई कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे माइनस थीटा वाला एंगल ले लिया नेगेटिव एंगल, तो ये कॉसेक ऑफ माइनस पाई बाय फोर बन गया, तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी माइनस पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर जो है आपका दैट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर टेन। अब क्वेश्चन नंबर इलेवन ध्यान से करना, यहाँ पे मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे ये सिंगल सिंगल वैल्यूज जो है हम निकाल रहे थे, क्वेश्चन नंबर इलेवन में हमें गिवन है अब सम ऑफ थ्री टर्म्स लाइक दिस हमें गिवन, तो हम क्या करेंगे इन तीनों को पहले इस फॉर्म में हम इनका जो है थीटा निकाल लेंगे एंड देन उनको एड या सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू साइन जो भी हमने गिवन है वी विल सिंपलीफाई। हमें गिवन है टेन इनवर्स वन, टेन की वैल्यू वन कहाँ पे होती है पाई बाय फोर पे, तो यू कैन राइट इट डाउन डायरेक्टली ऑल्सो, प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू, नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा से आप इसको निकालोगे, वन बाय टू वैल्यू होती है पाई बाय थ्री पे, ये भी हमने किया भी था क्वेश्चन, तो पाई माइनस पाई बाय थ्री यानी कि दिस विल गिव यू टू पाई बाय थ्री, एंड नेक्स्ट मुझे गिवन है इसमें प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू, साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू, साइन की वैल्यू वन बाय टू आपकी कहाँ पे होती है ये वैल्यू होती है आपकी पाई बाय सिक्स पे 30 डिग्री पे,
तो आप जो है जब मैंने क्योंकि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में इसको बनाना है, तो मैं ये फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है करते हैं हम मूव, तो यहाँ पे जब हम इसको लेके चलेंगे दैट विल बी माइनस थीटा यानी कि माइनस पाई बाय सिक्स आप लेके चलोगे 30 डिग्री बाय टैन इनवर्स वन, बेशक आप इनको उसी तरीके से जैसे अभी मैंने प्रीवियसली करवाया है ऐसे ले लो, वन इज इक्वल टू टैन थीटा, टैन पाई बाय फोर इज इक्वल टू टैन थीटा, तो थीटा आ गया यहाँ से आपके पास पाई बाय फोर, कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू, थीटा में ले चुकी हूँ इसको मैं अल्फा ले लेती हूँ, वन बाय टू इज इक्वल टू कॉस अल्फा, सो यहाँ से आपका आ जाएगा क्योंकि ये आपका नेगेटिव बन रहा है, दिस विल बी पाई थ्री इक्वल टू कॉस अल्फा, तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा आपका टू पाई बाय थ्री, सेम वे में साइन इनवर्स वन बाय टू इक्वल टू मैं सपोज थीटा ले लेती हूँ माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू, तो दिस इज साइन ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स, तो बीटा आ जाएगा मेरे पास माइनस पाई बाय सिक्स, अब इनको ऐड कर देना है हमने एंड वी विल गेट आवर टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर, कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू टू पाई बाय थ्री, साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू माइनस पाई बाय सिक्स, इनको आप सिंप्लीफाई कर दोगे एल जब आप करोगे तो दिस विल गिव यू थ्री पाई, सो दिस विल बी योर आंसर. 9th standard students, you are to rejoin the meeting. Plus 2 students, if any doubt is there, you can unmute yourself and you can ask. Okay, then I'm ending the meeting. Thank you. Have a day. And 9th standard students, you will reach. I will restart the meeting.